वेलकम बैक टू बीआईएम के यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे ये सारे केस डेट्स। आज मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जो हमने अभी कल परसों में हमने लेक्चर कवर किया था। अब क्या क्या था उसमें एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़े थे ये गेट्स थे हमारे लॉजिक गेट्स। कौन कौन से गेट्स पढ़े थे? पहले था एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट। अच्छा, नॉट गेट का क्या काम था? इन्वर्ट करना, बताया था मैंने। एक बिंदी जो होती है, छोटी सी बिंदी से आउटपुट की साइड पे लग रही होती है ना, ये आपकी क्या बताती है कि इन्वर्टेड कर देता है डेटा को, आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है या चेंज कर देता है। अच्छा, अब मुझे इसके आगे करवाना क्या है आपको, ये देख लीजिए एक बार। जैसे सपोज कहा थे हम, ये मैंने बताया था ना कि अगर अ स्मॉल सर्कल ऑन आइदर द इनपुट और आउटपुट ऑफ अ गेट मींस दैट सिग्नल इज इन्वर्टेड, दैट इज इट इज एज इफ देयर वर एन इन्वर्टर नॉट गेट देयर। मतलब जैसे ये एंड गेट है, देखिए आप इस फिगर में, यहां पर मैंने बताया था कि एक सर्कल बन रहा है, ऐसे ही यहां पर एक सर्कल बन रहा है। अब ये क्या डिनोट करता है कि जो ये वाला इनपुट है इसको इन्वर्ट कर दो, ये जीरो है जिसे वन कर दो, ये वन है जिसे जीरो कर दो। इन शॉर्ट ए को ए डैश कर दो या ए बार कर दो। इसी तरह ये और गेट जो है यहां पर बी इन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने यहां पे नॉट गेट लगा दिया या इन्वर्टेड, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड आउटपुट और इन्वर्टेड इनपुट कर दिया। क्योंकि आउटपुट इन्वर्ट कर दिया है तो इनपुट इन्वर्ट कर दिया है तो आउटपुट भी डेफिनेटली इन्वर्टेड आएगा। यहां पर ए के आगे एक सर्कल है और बी के आगे एक सर्कल है, तो आउटपुट में क्या आएगा? बार ए प्लस बार बी, प्लस भी लगा क्योंकि और भी हमेशा एड होता है। इन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि नॉट गेट लगा दिया था, सर्कल लगा दिया था, इसीलिए ये रीजन है, क्योंकि नॉट गेट किसी भी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्टर, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि वाला गेट जो है थर्ड वाला ए बी, मैंने क्या बना था आपको पूछा है स्क्रीन में, ए बी आगे क्या बना हुआ है? नॉट गेट, ये है हमारा, मतलब इसमें दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एंड गेट का ऑपरेशन क्यों है और गेट का भी, क्योंकि और गेट का हो रहा है तो ए प्लस बी, लेकिन एंड का आउटपुट क्या है? इन्वर्टेड है। पहले पीछे ये वाला क्या है? ये एंड गेट है, ठीक है, इन्वर्टेड, तो ये a इंटू बी करेगा, ये a प्लस बी करेगा, ए बी क्या होगा? इन्वर्टेड होगा या बार लगेगा उसमें, ओवरऑल आउटपुट में भी बार लगेगा उसका इस तरह। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। प्रिमिटिव बूलियन फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय लॉजिक गेट्स, मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। जो पुराने बूलियन फंक्शंस थे उन्हें लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट किया जाता, और जो उससे भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उन्हें इन्हीं गेट्स के कॉम्बिनेशन से इंप्लीमेंट किया जाता था। चलो पढ़ के देखिए क्या होता है इसका, इसमें हमारे तीन इनपुट्स दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं एक्चुअली, बनाते हैं चलो कोई बात नहीं, ए बी सी और जेड, ए बी सी जेड, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। जो मैंने स्टेटमेंट बोली उसे हम इंप्लीमेंट करके देते हैं, कैसे करेंगे? है एक नॉट गेट ए, फिर इधर जेड और गेट, इसके अलावा थर्ड गेट लग रहा है इसमें जो कि एक एंड गेट बी बी।
अब इसका आउटपुट क्या होगा बताओ, लास्ट में जाके तो यहाँ पे हमें और कर देना है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर डी का आउटपुट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे ई का आउटपुट क्या होगा, बी एंड एंड सी या बी एंड सी। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन या और, मतलब जो कि होगा वाले ये और का सिंबल सिंबल होता है सी, ये हमारा ओवरऑल आउटपुट होगा फाइनल, ठीक है। अब वैल्यूज करना शुरू करें, पहली वैल्यू जब ए जीरो है, ठीक है, बी जीरो है और सी वन है, तो जेड क्या आएगा, क्या आएगा सॉल्व करके देखें। सबसे पहले आएगा जेड इज इक्वल टू, मैं पहले यहां लिखूं, आएगा बाय और बी एंड सी, क्योंकि अभी ए जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट होगा वन, फिर और वन का एड हो जाए बी एंड सी, बी जीरो है वन, जब जीरो वन जीरो इंटू वन एड क्या होता है मल्टीप्लीकेशन जीरो, समझिए जीरो एंड एंड वन क्या होगा जीरो, तो ये होगा वन और जीरो, तो इसका की वैल्यू क्या आएगी, और तो मतलब वन प्लस जीरो वन होगा ना, कुछ कंफ्यूजन है प्लीज हैंड टू हैंड कमेंट डाल दो, इसीलिए इसका आउटपुट होगा वन। ये हो गया मल्टीपल लॉजिक केस। नेक्स्ट, जब ए जीरो है डी वन है सी जीरो है, ए जीरो डी वन सी जीरो, इस केस में क्या करेंगे, ए जीरो है तो अभी कॉम्प्लीमेंट करके वन हो जाएगा, बी जीरो है बी वन है, इस बार क्या है बी वन है सी जीरो है, तो वन इंटू जीरो जीरो, वही चीज है, अभी यहां पर भी आउटपुट वन ही आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन, जहां पर ये जीरो है ये वन वन है, अब क्या होगा, जीरो है जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, या वन का एंड आएगा टू वन की वैल्यू से क्या आएगा वन और वन, वन ही आएगा सेम वन। नेक्स्ट केस देखो, जब ए वन है, इसे करके रेस कर देती हूं, नेक्स्ट केस देखते हैं, जब ए वन है बी जीरो है और सी जीरो, ए वन है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जीरो, सी जीरो है और बी भी जीरो है, तो जीरो एंड जीरो, जीरो का एंड क्या होगा जीरो ही आएगा, ठीक है, बी जीरो है आपकी वैल्यू, सी भी जीरो है, वन का कॉम्प्लीमेंट भी जीरो है, ओके, और जीरो का और जीरो फिर जीरो कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो यहां पर मैं लिखूं जीरो। फिफ्थ केस देखते हैं, जब ए वन है बी जीरो है और सी वन, आप कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से, ए वन है बी जीरो है सी वन है, तो ए वन है मतलब कॉम्प्लीमेंट जीरो, बी जीरो है और सी वन है, जीरो और वन का एंड क्या होता है जीरो, और ए को कॉम्प्लीमेंट भी वन है, कॉम्प्लीमेंट भी जीरो होगा तो आउटपुट जीरो, अगेन जीरो, ठीक है। नेक्स्ट केस देते हैं, जब ए वन है बी वन है सी जीरो है, ए वन है तो कॉम्प्लीमेंट जीरो, बी वन है और सी जीरो है, सी वन बाई ए जीरो, क्योंकि वन और जीरो का एड टू जीरो ही होता है, और जीरो का और जीरो, ये जीरो,
नेक्स्ट देखते हैं जब चारों वैल्यूज वन 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 उस केस में क्या होगा, वन तो कॉम्प्लीमेंट जीरो वन एट जीरो एक्सेप्टेड ही दे रखा है, ठीक है। उन्होंने सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, इसी फिगर को देखिए बताओ, विच वायर्स आर कनेक्टेड एंड विच आर नॉट, कैन यू सी व्हाट द सर्किट डज। इसमें हमें बताना है कि कौन से वायर्स से कनेक्टेड है और कौन से कनेक्टेड नहीं है। क्या तुम इसको सर्किट को देख के बता सकते हो कि सर्किट क्या काम करता है? देखो बहुत ध्यान से, एक इनपुट है ए, पहले वाले एडमिट में एक इनपुट है ए, फिर ये इस साइड वाले गेट में भी है इसमें भी। अब बी इनपुट भी तीनों गेट्स में है, तीनों में है या नहीं है? सेकंड वाले गेट में नहीं है। सी इनपुट किसमें है? सेकंड और थर्ड गेट में है। तो पहले केस में ये क्या करेगा जब पहले वाला गेट में है एंड गेट, जो पहले वाला एंड गेट लग रहा है उसमें ये आउटपुट क्या देगा, एंड आउटपुट देगा किस किस का, किस किस का मल्टीप्लीकेशन आउटपुट देते हैं? ध्यान से देखो, ए भी जाएगा है और बी भी, तो ये देगा आउटपुट वन बता रही हूँ ए इंटू बी। सेकंड वाले में गेट में कौन कौन सी इनपुट चल रहे हैं? सी और ए, तो ये आउटपुट क्या देगा? ए सी का एंड या मल्टीप्लीकेशन, और ऑफ
why did they do that? Suppose you wanted to do addition with logic, how might you go about that? Suppose you wanted to define a circuit full adder, that is one step in one addition. मतलब एक सपोज ये सर्किट है, इसका नाम लिख दिया मैंने फुल एडर, पूरा नाम इसका ऐड करने का है. तो इसमें क्या क्या तीन इनपुट्स हैं, ए बी थर्ड एंड कैरी. फिर ये सर्किट है, इसका आउटपुट होगा एस और कैरी आउट. अब इसे हम ये अब इसका फुल ये इसका सर्किट डायग्राम है फुल एडर का, ठीक है. अब ये चार वैल्यू गेट से पांच. अब जैसे ए बी है, जब एक बार होगा कि तीन की वैल्यू जीरो होगी. इस तरह की गेट आपको इस सर्किट को ध्यान से देख लो, कंप्लीटली आपको करके रखना है. नोट्स लूंगी आपका, होमवर्क में क्वेश्चन है कि आपको ये सर्किट का मुझे सॉल्व करके देना है, सॉल्यूशन देना है, ठीक है. अब बाकी और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू. तब तक के लिए आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रही हूँ. आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से तो सफिशियंट है. इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ ये वाला फ्लैट वाला आप होमवर्क में करके रखना. ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच.